सो दोस्तों, ये अमेजोन और नेटफ्लिक्स LGBTQ के साथ अब भाभी लवर ट्रेंड को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हैं। पहले अमेजोन ने गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर होकर मिर्जापुर सीजन 3 को पूरा पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया। सब कुछ कॉपी करने के बाद जेमी सरसे से इंस्पायर होकर भाई बहन के रिश्ते को देवर भाभी के रिश्ते में बदल दिया। शरद अपनी भाभी को लपेटने के चक्कर में था, गुड्डू भी अपनी भाभी को लपेट लिया और त्यागी का तो क्या ही कहना। अब इतना सब कुछ होने के बाद नेटफ्लिक्स भी कहाँ पीछे रहने वाला था, बस उसने भी अम्ब्रेला एकेडमी में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। अब इतना सब कुछ देखकर लगता है अमेजोन और नेटफ्लिक्स गेम ऑफ थ्रोन्स से ज्यादा सीरीज से इंस्पायर हो रहे थे। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है। के राज का मेन मुद्दा है दी अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4, जिसके केवल 6 एपिसोड एक बार में ही रिलीज कर दिए गए हैं। सो हमेशा की तरह ये सीरीज सुपर हीरोज के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है, या फिर सीजन 4 के सहारे कुछ और धमाल मचाने की कोशिश की है, लेट्स फाइंड आउट। तो सीजन 4 ने गेम चेंज करने की कोशिश में अलग टेक लिया है, सबकी सुपर पावर्स छीन ली और सब कैरेक्टर्स नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं बिना किसी सुपर पावर के। सीरीज की स्टार्टिंग काफी अच्छी होती है, सेकेंड एपिसोड का वो रोड ट्रिप वाला सीन काफी बढ़िया लगा, ऊपर से बेबी शार्क और केरल ऑफ द बेल इन सॉन्ग्स को यूज करके मेकर्स ने सबसे बढ़िया डिसीजन लिया। देन एक फालतू सा एक्शन सीन है, ओपन लोकेशन में कैरेक्टर्स पर फायरिंग की जा रही है लेकिन एक भी गोली नहीं लगती, वही एल लॉजिक, दिमाग का भरोसा करने वाला। बाकी थ्रू आउट द सीजन बस यही फीलिंग आई है कि राइटर्स बस एक बहाना ढूंढते हैं हर सीजन में दुनिया खत्म होने का। हर सीजन में बस एपोकलिप्स आ रहा है जिसके पीछे की वजह बेबुनियाद होती है, जो कि राइटर्स की लेजीनेस को दर्शाता है। लेकिन ले दे के फिनाले एपिसोड में इन्होंने एक रीजन दिया है कि हर सीजन में एपोकलिप्स आने की वजह सिर्फ उनकी लेजीनेस नहीं बल्कि कुछ और भी है। ले दे के कैरेक्टर्स फिर से अपनी पास को रिडीम कर लेते हैं और थोड़े अपडेटेड पास के साथ देखने को मिलते हैं। और हैशटैग भाईचारा ऑन द टॉप को भी थोड़ा सीरियस लिया है मेकर्स ने, कैरेक्टर्स को डेप्थ प्रोवाइड की गई है, खासकर एलियट पेज के कैरेक्टर को, उनको सबसे ज्यादा इज्जत और मान सम्मान दिया गया है इस सीरीज में क्योंकि उनके दिल के काफी करीब है ये सीरीज। बाकी लूथर को बड़ा भाई दिखाया गया है और डिएगो हमेशा की तरह कंफ्यूज है और फाई बाकी सबसे इंटेलिजेंट है और जब जिंदगी झंड हो जाए तो खुद पर हंसी आने लगती है। इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है लायला का कैरेक्टर। बाकी सीरीज में से इंडियन दिखाया गया है जिसकी फैमिली पंजाबी है और उन्हें पंजाबी एक्सेंट में बात करते हुए भी दिखाया है, वो भी ओरिजिनल इंग्लिश में। सीरीज की पेसिंग काफी स्लो है, सीजन थोड़ा ड्रैग फील होता है, फालतू के सबप्लॉट्स डाल दिए गए हैं जो कि बोर करते हैं। लाइक क्लोज का वो कोफिन वाला आर्क काफी ज्यादा बकवास लगता है, हालांकि शुरुआत में अच्छा लगा कि उसे सुपर पावर्स नहीं चाहिए। बाकी ले दे के फिनाले एपिसोड में सब कुछ कवर कर लिया जाता है, हर एक कैरेक्टर को निचोड़ लिया गया है, मतलब जिस काम और सुपर पावर के साथ रखा गया है उस काम के हिसाब से यूज किया गया है। सिर्फ फिनाले एपिसोड में ही कोई भी कैरेक्टर फालतू नजर नहीं आता, एक प्रॉपर एंडिंग दी गई है हर एक कैरेक्टर को। सीरीज का बेस्ट पार्ट यही था कि इसे 6 एपिसोड का रखा गया है, फालतू में 8 एपिसोड तक नहीं खींचा और न ही 2 पार्ट्स में रिलीज करने के बारे में सोचा। सीजन 4 फिनाले सीजन था इस सीरीज का, मींस देयर विल बी नो सीजन 5, ऑल्दो सीजन 4 की एंडिंग को ओपन रखा गया है। ऑनेस्टली द अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज मेरे लिए उन बकवास बेबुनियाद सीरीज में से है जिन्हें मैं टाइम वेस्ट कहता हूँ और इन्हें उसी तराजू में रखता हूँ जहाँ मार्वल डिज्नी की मोस्ट ऑफ द सीरीज को रखा करता हूँ। बट समहाउ मुझे सीजन 4 थोड़ा बेहतर लगा फर्स्ट के 3 सीजन के कंपैरिजन में, खासकर फिनाले एपिसोड वो सारे सीजन में से इकलौता बेस्ट एपिसोड लगा। बाकी इस पूरे सीजन 4 को थोड़ा फैमिली फ्रेंडली रखा गया है। बाकी आपको सीजन 4 कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखे और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ, टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। They come and go.